नमस्कार दोस्तों, मूल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ देशी चिकन कम मसाले में। हम देशी चिकन को कितना अच्छा बना सकते हैं वो आपके सामने बना के दिखा रही हूँ। चलिए उसके इंग्रेडिएंट्स हम आपको बताते हैं देशी चिकन के। चलिए, ये मेरा देशी चिकन है, 1 kg है। 1 kg हमने देशी चिकन लिया है और 300 ग्राम हमने प्याज लिया है। पाँच प्याज है, ये 300 ग्राम है। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट मैरिनेट करने के लिए, और थोड़ी 2 चम्मच दही डालेंगे, और मसाले में हम डालेंगे हींग बघार में, और तेजपत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, जावित्री और शाहजीरा, जीरा और काली मिर्च और ये दालचीनी, इसको हम बघार में डालेंगे, और उतने ही सामान हम इसको पीसेंगे मिक्सी में, ग्राइंडर में पीस के और हम बनाएंगे। चलिए अब हम आपके सामने इसको बना के पहले मैरिनेट करके हम रख देते हैं चिकन को, फिर हम इसको मसाला तैयार करके दिखाते हैं। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, उसमें हम डालेंगे सबसे पहले 2 चम्मच दही। 2 चम्मच हम दही डालेंगे इसमें, 1 kg है तो इतना दही लगेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट हम डालेंगे, छोटी चम्मच है तो 4 चम्मच, और 2 ही चम्मच है ये प्याज का पेस्ट है, 2 चम्मच हमने प्याज कच्ची पीस ली थी पेस्ट। नमक टू द टेस्ट होगा तो नमक हम इतना डाल देते हैं, 1 चम्मच लगभग डाल देते हैं, क्योंकि इतने में 1 चम्मच तो लगेगा ही। थोड़ी सी हम डालेंगे पिसी धनिया इसमें, हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, घर का पिसा गरम मसाला है इसका, ये इस वीडियो हमने डाल दिया है, क्या है तो आप इसको देख सकते हैं। ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च है, अच्छा कलर आए करके हमने इसको डाल दिया। अब हम इसको 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं। देशी चिकन है तो हम इसको आधा घंटा तो नहीं रखेंगे, हम 15 मिनट ही रखेंगे। सबको मिला के हाथ से मिला लेते हैं अच्छे से। अब हम करने रख 15 मिनट रखते हैं, 10 तो नहीं 15 रहेगा, ढक के हम इसको रख देते हैं। तब तक हम मसाला अपना मसाला और तैयार कर लेते हैं। इसको मच घी डाल के पूरे मसाले को भून लेंगे। घी गरम है, देखिए हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ा बघार के लिए रख लेंगे। ये सिंपल जीरा है, ये शाह जीरा है, मसाले में डालना है, और थोड़ा सा ये हम बघार के लिए रख लिए, और काली मिर्च थोड़ा बघार के लिए रख लिए हम, और ये है जावित्री, इसको भी हम डाल देंगे, ये इलायची है, बड़ी इलायची है, इतना हम बघार के लिए रखेंगे। लहसुन आँच को हम कम कर देंगे और इसको बघार के लिए रखेंगे। 4-5 हमने डाल दिया ये लौंग, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें खसखस, खसखस को तो पूरा मसाले में ही डाल के भूनेंगे, बाकी ये चीज़ हमने बचा ली जो हमें इसमें डालना है बघार में। थोड़ा सा हम हींग डालेंगे और प्याज हम डालेंगे, हल्का सा हम भून लेंगे मसाले को, से हम भून लेंगे, और इसी समय हम ये अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम डाल के भून लेते हैं। भून के हमें इसको पीसना है, मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे, और पीस के हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे, तब हम आगे आपको दिखाते हैं। तो मसाला हमारा भून रहा है, और इसके बाद हम मिक्सर ग्राइंडर में इसको भूनेंगे, फिर हम चिकन को भी इसमें भून के भूनेंगे अलग से, फिर मसाला भून के चिकन को उसमें डाल के पकाएंगे। भून के रख लेंगे, ठंडा होगा फिर आप पीसिएगा, नहीं तो गरम गरम नहीं पीसना है मिक्सर ग्राइंडर में, ठंडा होने के बाद पीसेंगे। तब तक ठंडा होते तक हम चिकन को अपने
इसमें भून लेंगे। मसाला और प्याज भून गया था, हम इसको निकाल के रख उतार देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक हम दूसरी कढ़ाई में चिकन को जो मैं मैरिनेट करके रखे थे उसको हम अब भूनेंगे। थोड़ा हम तेल डालेंगे कढ़ाई में, ज्यादा हमें नहीं डालना है क्योंकि हमें चिकन को अभी केवल भूनना है। भूने पे हम थोड़ी सा दो लौंग है, एक इलायची है, तीन चार काली मिर्च है और थोड़ी सी शाहजीरा खुशबू के लिए हम इसमें डाल देते हैं। और इसमें 10 मिनट होने हो गया हमारे, इसको आप देखते हैं चिकन को मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, 10-15 मिनट हो गया हमें रखे। और अब हम इसको इसमें डाल के और भूनेंगे। सादा जीरा भी डाल देंगे ताकि इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए। और अब हम चिकन को डाल देते हैं। इसको अच्छे से चिकन को एकदम लाल होते तक भूनेंगे हम। कम तेल हम इसलिए डालें, चिकन में खुद चिकन ऑयल छोड़ता है अपना और उससे वो उसके ऑयल से भी ये भुन जाएगा हमारा, इसलिए हम इसमें कम तेल डाले हैं। एक ही चम्मच डाले हैं, ज्यादा हम नहीं डाले हैं। चिकन के ऑयल से ही और अच्छे से भुन जाएगा। देखिए मेरा ये चिकन काफी भुन गया है और इसको हम अब सिम पे कर देंगे। और मसाला अब हम दूसरी कढ़ाई में मसाला भुनना शुरू करेंगे ताकि इसके भुनते तक हमारा मसाला भी भुन जाए और चिकन जल्दी से जल्दी रेडी हो जाए। इसको हम दूसरी कढ़ाई पे हम इसमें मैं थोड़ा सा शुद्ध घी डालूंगी, मतलब एक चम्मच डेढ़ चम्मच हमने शुद्ध घी डाला है और दो चम्मच हम डालेंगे तेल। दो चम्मच हम तेल डालेंगे इसमें, हो गया, हम ज्यादा नहीं डालेंगे। और दोनों को गरम करेंगे, अच्छे से गरम हमें करना है। तेल घी नहीं डाला है इतने में ही। हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तेज पत्ता और ये शाहजीरा, काली मिर्च, बड़ी छोटी इलायची को हमने थोड़ा सा कूट दिया है ताकि उसकी खुशबू और अच्छी आए। और हम डालेंगे ये मसाला जो कि हमने अभी भून के तैयार किया है, पीस के भूना था, भून के पीस लिया है। ये देखिए इसको हम अब तेल छूटते तक ये मसाले को हम अच्छे से भुनेंगे। करने के लिए हम इसी में थोड़ा सा नमक और शक्कर डालेंगे तो कलर हमारा बहुत अच्छा आ जाएगा। थोड़ी सी शक्कर डाल दिए हम, आधी चम्मच, और आधी चम्मच नमक। तो भूनेंगे तो हमारे मसाले का कलर एकदम रेड आएगा और बहुत सुंदर आ जाएगा। अब इसको हम तेल छोड़ते तक भुनेंगे और इसके बाद हम हल्दी, धनिया और मिर्च को पानी में गला के रख देते हैं। कितना हमें लेना है क्वांटिटी ये आपको हम बताते हैं। धनिया हम लेंगे अपने रस गाढ़ा, ग्रेवी आप गाढ़ी बनाना है तो ज़्यादा धनिया डालिए और कम गाढ़ी बनाना है आप सिंपल थोड़ा बनाना है तो कम कर सकते हैं। मैंने 4 चम्मच लिया है। हल्दी हम लेंगे आधी चम्मच क्योंकि हल्दी हम डाल चुके हैं। लाल मिर्च हम लेंगे एक डेढ़ चम्मच लेंगे, इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च रहेगा तो ठीक रहेगा। हम एक चम्मच डाल दिए और आधा से कम पहले डाले थे, तैसे हम 2 से 2.5 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये तेज नहीं होती है। और इसको हम अब पानी में गला देंगे। गरम मसाला तो हम इसी में डाल के भून लिए थे। ये देखिए तेल छोड़ते तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे। और इस ये भी हमारा एकदम देखिए भून के ये लाल हो गया, तैयार हो गया भून के। अब
एकदम रेडी है ये। मसाला भुनने के बाद इसे मसाला में डाल के हम इसको भुनेंगे, उसके बाद हम ग्रेवी डालेंगे। गरम मसाला घर का, उसको भी हम इसमें ऐड कर दिए हैं। ये जिस मिक्सी जार में हम पीसे थे उसी को धो के पानी भी हम इसमें डाल रहे हैं। इसको हम गला के रख देंगे ताकि मसाला जो है भीग जाएगा तो अच्छा इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। मसाला हम गला के रख दिए हैं, जब ये हमारा भुन जाएगा तेल छोड़ते तक, उसके बाद हम इसको देखिए तेल छोड़ रहा है हमारा मसाला, ये ऊपर ऊपर तेल तैरने लगा है थोड़ा थोड़ा। थोड़ी देर बाद हम इसको जो हम अभी भिगाए हैं मसाला को पीसा हुआ सब कुछ में डाल के और भुनेंगे। तेल हमारा चारों तरफ से अच्छे से रिलीज हो गया, ये देखिए तेल दिख रहा होगा वीडियो में, ये देखिए। अब हम इसमें जो भिगा के रखे मसाला उसको हम डालते हैं आंच को धीमा करके। अब इसको भी हम उस मसाले को भी हम तेल छोड़ते तक भुनेंगे अच्छे से। फिर इसके भुनने के बाद हम भुना हुआ चिकन इसमें डाल देंगे। ये मसाला मेरा तेल छोड़ने लगा और बहुत अच्छे से भुन गया मेरा मसाला, पहले से भी भुना हुआ था और ये ऑयल रिलीज करने लगा ये पूरा मसाला। अब हम इसमें चिकन को डालेंगे और थोड़ी देर इसको ऐसे भुनेंगे, फिर हम थोड़ा सा ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। फाइनली मेरा मसाला भुन के तैयार हो गया। अब इसमें मैं चिकन डाल के थोड़ी देर भूनूंगी और फिर थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के हमें भूनना है। दूसरी कढ़ाई में इसको ट्रांसफर करूंगी क्योंकि बहुत छोटा है ये पॉट जो है, बड़ी कढ़ाई में डाल के इसको अच्छे से भूनती हूँ। पहले में इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे और फिर हम इसमें पानी डालेंगे। चिकन भी हमारा पक गया है, मसाला भी हमारा पक गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और इसको थोड़ी देर और भूनते हैं। ये देखिए इसमें थोड़ा भून जाएगा, थोड़ा सा ग्रेवी और यदि आप ग्रेवी बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकती हैं, नहीं तो ये हमारा तैयार है। इसमें हरा धनिया डालेंगे काट के ऊपर से। ये देखिए मेरा चिकन बन के तैयार हो गया। थोड़ी सी हरी धनिया हमने डाल दिया, थोड़ा सा हम इसमें और ऊपर से गार्निश करेंगे, उसके लिए हमने बचा दिया। ये देखिए ग्रेवी आप अपने ऊपर है, आपको बनाना चाहे ग्रेवी और डालना चाहे, आप यहाँ ज़्यादा लोग हो तो आप डाल सकते हैं इसमें थोड़ी सी, थोड़ा आधा ग्लास पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ग्रेवी सफिशियंट है रोटी के साथ के लिए। ये मेरा चिकन देसी चिकन बन के तैयार हो गया। देखिए बहुत अच्छा शानदार, मैं इतने ग्रेवी इसमें डाल दिया था, एक गिलास पानी और डाला और डाल के इसको अच्छे से उबाल दी हूँ मैं। अब मैं इसमें निकाल के आपको सर्व करके दिखाती हूँ। मेरा रेडी हो गया है, लेकिन नमक कम हो, एक नमक मिर्च कम हो तो आप इसको थोड़ा सा बघार दीजिए ऊपर से। ये जीरा है, जीरा को ऐसे आप क्रश करिए, क्रश करने से जीरे की खुशबू बहुत अच्छी आएगी। ये हम डाल दिए, गरम कर दिए थे, घी हम एक चम्मच डाले हैं, शुद्ध घी है, उसको हम अच्छे से गरम कर दिए हैं। अब इसमें हम जीरा डाल दिए और जीरा के बाद हम थोड़ी सी डालेंगे हींग। हींग क्या है, पेट के लिए बहुत अच्छा है, पचने के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है हींग। थोड़ी सी हम डालेंगे लाल मिर्च, जिससे लाल मिर्च यदि कम ज़्यादा खाना है तो आप इसमें डाल के ऐसे और बना उसमें बघार सकती हैं, उसका टेस्ट ये दुगना हो जाएगा। इस तरह से शुद्ध घी से आप एक बार बघारेंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए इसको देखिए, इतना शानदार देसी चिकन हमारा बन के तैयार हो गया। अब आप बनाइए, खाइए अमूल्स किचन में। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।